हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। और आज है दिन रविवार और तारीख है 7 मई। तो ये व्लॉग वैसे तो मैंने स्टार्ट सुबह से ही कर दिया था। ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर पोहा बना रही थी और साथ में थी चाय, लेकिन फिर उसके बाद मैं कोई व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई बीच में, और फिर सीधा मैंने शाम से ही व्लॉग शूट किया था। तो बस ये मैं सिर्फ पोहा सुबह की ही एक छोटी सी क्लिप ले पाई थी, वही इसमें मैं ऐड कर दी थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पोहा डाल दिया था। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया, और सीधा फिर मैंने शाम को ही टाइम लगा तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लेते। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़ों की तय, और यहाँ पर मैंने प्रेस की थी कपड़ों के। ये मैंने सिर्फ वो जिसके पापा के वाले कपड़ों के प्रेस की, क्योंकि उनके बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि वे हफ्ते में एक बार एक दिन आते सैटरडे को, तो फिर इसलिए कपड़े ज़्यादा थे। तो फिर मैंने मेरे और बच्चों के कपड़ों के नहीं की, सिर्फ बच्चों की ड्रेस की जो स्कूल ड्रेस थी उसी को प्रेस की थी। और फिर एक अलमारी में एक ड्रॉर मैं ऐसा बना दी जिसमें जैसे प्रेस वाले कपड़े रख देती हूँ कि जब टाइम लगा तभी लगा दूंगी। और बस यहाँ पर मैंने सब किस जुराबे वगैरह सब साइड में रख मतलब जगह पर रख दी। और अभी शाम का टाइम था तो फिर मैं सोचा कि ना झाड़ू और लगा लूँ। वैसे तो घर इतना गंदा नहीं होता और दिन तो, लेकिन आज एतवार था और बच्चे घर पर तो छुट्टी थी, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। और शाम के तो बस यही काम होते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर लो, और झाड़ू बर्तन और कपड़े वगैरह तय लगानी होती है। और ये यहाँ पर पता नहीं और कौन अभी व्लॉग मैं शूट कर बनाऊंगी रहा। रात का खाना। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरे मुंह आया हुआ है तो छाले हुए, तो मैं सोचा थोड़े से चावल बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल, और साथ में सुबह मैंने करेले बनाए थे तो वो हो जाएंगे साथ में, और रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पर मैं चावल भी भिगो रही थी। और तो मैंने शाम के मतलब खाने के लिए भी भिगो रखी यहाँ पर दाल, मिक्स दाल है ये, तो इसमें चने की दाल भी साथ में अगर पहले से भिगो दो तो ये कि अच्छे से गल जाती है और फिर डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। और ये कुछ करेले रखे हुए हैं और दही है, उसी के साथ खाऊंगी। और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। और अभी मैं दाल को चढ़ा दूंगी बनने के लिए, जब तक दाल बन जाएगी। तो अभी इसमें मैं डालूंगी हल्दी और सिर्फ नमक, और जब तड़का लगाऊंगी तब और मसाले सब डल जाएंगे। और इसमें मैं लगाऊंगी 3 सीटियाँ, क्योंकि मैंने इसे पहले ही भिगो दिया था तो ये जल्दी से पक जाएगी। और अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ, सीटियाँ आ गई थी तो साथ के साथ फिर मैंने तड़का भी स्टार्ट कर दिया था, पैन चढ़ा दिया था। और अभी छोंक लगा दूंगी दाल को। तो इसमें मैंने डाली थोड़ी सी हींग और 2 सूखे लाल मिर्च। तो हींग का तो यही है कि जैसे उसमें चने की दाल है तो भाई ऐसे बाती वगैरह ना करें और दिक्कत ना हो, गैस वैस ना बने, तो इसलिए हींग डाल दी थोड़ी सी। और जब प्याज पक जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। और दाल तो सिंपल ही भी हम बनाते हैं जैसे, और बस मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ सिंपल जो घर पर जो डेली जो मसाले होते हैं वही डाले थे, हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर और किचन किंग थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने मसाला इसमें डाल दिया, और मुझे ये लग रहा थोड़ी सी मतलब गाढ़ी है दाल, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी उबाल कर भी डाल दिया था। और अभी ये सही है, क्योंकि चावल के साथ भी खानी थी रोटी के साथ भी तो ठीक है, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, तो अभी ठीक है दाल। हो गाइस, आप यहाँ पर यूं सूरज कहीं ढल रहा है, देखो ना भाई कि ना यू निकल रहा है ये बहुत ही अच्छा लगा सूरज। मुझे तो। आप बताना आपको कैसा लगा। ये है तन्वी, तो वही देख सकते हम जा हो रहे पार्क सूरज। में और तो गाइस हम जा सूरज रहे हैं पार्क में और सूरज कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा भाई, लग रहा है। बल्कि वो हमारा मंदिर है। हमारा तो नहीं हाँ पर सब आते हैं यहाँ तो पर, ना तो पे सब आते हमारा हैं। भी बोल सकते हैं हम। हाँ तो और ये अभी बहुत ये ना मीठी। पार्क में आने हाँ वाला पार्क थोड़ा सा बस, और मैं ना मतलब कि ना मम्मा से मैंने बोल दिया था, ओ भाई कैसे चलेंगे यहाँ से, नहीं नहीं ये रास्ता रहा यहाँ से भाई, फोन का तो ध्यान मैं रखना क्या पड़ेगा। कहूँ और मुझे मैंने याद ना है। मम्मी से देख सकते, फिर ना मेरी तरह नू बोला कि ना चल तू मुझे ना घर तक छोड़ दे, मुझे डर लग रहा अकेले रहने में। तो फिर ना मैं बोली ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। तो
और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तन्वी में इस शायद तो ये और आप देख सकते हैं दही कितनी अच्छी जमी हुई है, क्योंकि जैसे मौसम ठंड गर्मी होती तब तो किसी भी बर्तन में जमा लूँ तब तो दिक्कत नहीं होती, अगर मौसम ठंडा होता तो मैं इसी में जमा देती, क्योंकि इसमें दूध थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है। और फिर देख सकते हो आप कितनी अच्छी जमी है दही, मैंने इसे दो पैर में जमा था क्योंकि दही वैसे भी अच्छी होती है, रोज़ दूध नहीं पीता तो दही खा लेता, तो इसी वजह से जमा। और यहाँ पर किया आग चुकी है पार्क से, तो वो आ जाएंगे ना वो थोड़ा तेरी वाट देख के कि भाई हाँ किया नहीं आई पार्क में वापस, तो तेरा वेट करके वापस आ जाएंगे वो भी। तो फ्रेंड पता है क्या, ये खिया लेख पलक और तन्वी गए थे पार्क में, तो क्या हुआ कि ये लेख को छोड़ने वापस घर आ गई। अब यह ऐसे अच्छा नहीं है कि बच्चे बार बार अकेले वहाँ जाए, क्योंकि थोड़ा रास्ता पड़ता है, खेतों का रास्ता होता है, तो ऐसे अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये पता नहीं क्यों आई उसे लेके, या फिर तुम तीनों को आना चाहिए था साथ में। वो तो उसको चोट लग गई थी, तो वो कहाँ चोट लग गई, चोट तो नहीं पर उसको यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो फिर ना तो भाई तुम एक सारे इकट्ठे आ जाते। पलक और तन्वी तो एक्सरसाइज कर रहे थे, उसने उसने मुझे बताया उनको, तो उसको बता के आई थी तू उनको। हाँ मैं उनको बता के आया था, तो फिर आ जाएंगे वो, अब नहीं जाना। अब आप ही बताओ, 6:30 तो बच्चों तो आने जाने में इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर ये वैसे अच्छा थोड़ी ना बच्चों को बार 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 चक्कर काटे, और अकेले कोई है बड़ा भी नहीं है साथ में, तो फिर बड़ा हो तो जैसे वजह वगैरह हो तब भी थोड़ा ये होता है कि हाँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।